चैनल हाउ आर यू, आई थिंक आई यू यू आर बेटर एंड गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है, नहा धो के आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अपना मेकओवर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, आप लोग को पता ही है मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है। कभी कभी कोई ओकेशन फंक्शन पड़ा तो कर लेती हूँ, वरना उतना नहीं करती हूँ। तो बस वही मेरी फेवरेट फेयर लवली लिप बाम और हल्का सा काजल, बिंदी, बस बाल समेट लूँगी, हो गया। और पतिदेव कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, तो देखिए कैसे करते हैं, उनको पता नहीं कि कैमरा चालू है, तो वो ताली पीट रहे हैं। बाद में मैं जब बताती हूँ तब रुक जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और ये आज दिन कौन सा है? आज है संडे और मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आज से कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स जो हैं आएंगे, मतलब एक दिन का गैप देके मेरे ब्लॉग्स जो हैं आए करेंगे अब से। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे चैनल पे रेगुलर हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैक्स बैठा हुआ है, इसको कितना भी मना करो धूप में ना जाओ, ये पता नहीं क्यों धूप में बैठता है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को कुछ ऐसा पता है कि डॉग्स धूप में क्यों बैठते हैं? मेरा डॉग ही जो है बार बार भाग के धूप में बैठेगा। मैक्स मैक्स, तुम धूप में क्यों बैठते हो? इतना गर्म हो गया कि मैं क्या बताऊँ, धूप में क्यों बैठे रहते हो? देखो मुँह खोल रही है गर्मी से, लेकिन धूप में बैठा रहेगा धूप में। तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी इनके लिए बनानी है पकौड़ियाँ, बोले हैं तो गए ये शेविंग करा के आएंगे, इसके बाद बनाऊंगी इनके लिए पकौड़ियाँ। तब तक थोड़ी देर बैठती हूँ, हवा लेती हूँ। और आज से मैं एक नया काम शुरू करने जा रही हूँ, वो है डायरी लिखने का। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने जो भी दिल की बात, जो भी कुछ भी है ना, तो वो डायरी में लिखा करूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है, तो अब से मैं लिखा करूँगी डायरी अपनी। और कुछ दिल हल्का होता है थोड़ा सा अगर लिखो तो। और आप लोग को टीज़ का ब्लॉग बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। बर्थडे का ब्लॉग पसंद आया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा है तो किस चीज़ का इंतजार कर लो, जल्दी से जाओ मेरे चैनल पर विजिट करो और टीज और बर्थडे ब्लॉग देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैं जो हूँ पकौड़ी बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ पोहे की। तो पोहे को मैंने भिगो दिया था, इसके बाद उसको बेसन उसन डाल के, हल्दी डाल के और जो भी जीरे वगैरह मसाले डालने हैं, अमचूर वगैरह डाल के, इस तरह से मैंने उसका गोला गोला बना लिया था। और जब वो आपके हाथ में समटने लगे, लड्डू जैसा बनने लगे, तो समझ लो वो हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ है, बहुत पतला घोल है, बहुत गाढ़ा नहीं है, पतला सा घोल बनाया, उसमें इसको डाल दिया है और इसको डीप करके इस तरह से फ्राई कर लेना है। और ये बहुत टेस्टी खाने में लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्रंची रहता है बाहर से और अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो इसको आप वही घर पे बना सकते हो इसलिए नाश्ते के तौर पे, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव और घर वालों को अच्छे से खिला के वाह 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 तारीफ लूट सकते हो। तो बस ये इस तरह से मैं छान रही हूँ, छान के इसके बाद इसको सर्व कर लूँगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये नाश्ता मेरा कैसा लगा आप लोगों को। इसके बाद फ्रेंड्स हम सब लोग जो है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह और हस्बैंड लोग गए थे बाढ़ का पानी देखने कि कितना पानी बढ़ गया है, कितना घटा हुआ है। तो वो सब वीडियो जो है ये रिकॉर्ड करके लाए थे, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी बाढ़ का जो है वो बढ़ गया है और कितनी धार, तेज़ धार जो है पानी की बह रही है। तो आप लोग वीडियो इन्जॉय करिए म्यूज़िक के साथ। मैंने इनसे कहा था, अब ये कहीं भी जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके ले आते हैं, मैंने कहा था कि मैं नहीं जा पाती हूँ। ये जो है संगम का है फ्रेंड्स, संगम पे देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी बढ़ गया है, एकदम मंदिर तक पूरा आ गया है। और बड़े हनुमान जी भी नहा लिए हैं और ये पति हमारे खड़े हैं, उनके फ्रेंड शायद सूट कर रहे हैं ये। तो देखिए कितना भीड़ लगा है, कितने लोग आए हुए हैं बाढ़ का पानी देखने के लिए, और मैं तो अभी तक नहीं गई एक बार, मुझे कोई ले ही नहीं जाता है। तो कहाँ से, ये इनके दोस्त हैं आप देख सकते हो कैमरे में हल्के से दिखे। तो
सब लोग गए हैं, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए म्यूज़िक के साथ। आरती लाओ हम लेंगे। फ्रेंड्स ये था वीडियो, आज का आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, बहुत अच्छा वीडियो था। अगले कल के वीडियो में, जब अगली बार कोई वीडियो आएगा उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, दिखाऊंगी मैं वहाँ भी आप लोगों को कुछ चीज़ें, क्योंकि इसके बाद भी मेरे हस्बैंड गए थे देखने के लिए गंगा जी कहीं और भी, तो वो वाला क्लिप जो है इसके बाद आएगा, तो आप लोग उसको इन्जॉय करिएगा। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं जो इनको लोगों ने खिंचवाई है दोस्तों ने मिलकर, तो मैंने यहाँ शेयर कर दिए क्योंकि बहुत वो लोग बोल रहे थे कि हमारा भी शेयर करिए भाभी, तो हमने शेयर कर दिया इसीलिए। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे इन लोग, इनके दोस्त। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि ज़िंदगी भर साथ निभाए मेरे ख्याल से। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे अहमदाबाद या इलाहाबाद रहिए।